ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है ASP.NET MVC के अंदर रेजर, ठीक है। रेजर एक साइंटेक्स है, ठीक है। इसका क्या यूज है इसको देखते हैं। अच्छा देखो, रेजर साइंटेक्स को समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि एक व्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू का पहला पॉइंट देखो, प्रोवाइड्स द यूआई ऑफ द एप्लीकेशन टू द यूजर। मतलब ये क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस हमारे यूजर को डिस्प्ले करवाता है। मतलब यूजर इंटरफेस जो कि हम HTML पेज जिसको कहते हैं, जिसको वेब पेज कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक व्यू, ठीक है, MVC के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट देखो, अ व्यू इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड आल्सो टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट्स। मतलब हमारा जो व्यू होता है, क्योंकि देखो व्यू के साथ ही हमारा यूजर इंटरेक्ट करता है, HTML पेज के साथ ही इंटरेक्ट करता है। तो जिस तरह से डेवलपर अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाह रहा है यूजर को, ठीक है, वो किसमें कोडिंग करता है, HTML की व्यू में। HTML हो गया, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap वगैरह, ये सारी कोडिंग वो कहाँ पे करता है, व्यू में करता है, क्योंकि व्यू से ही वो यूजर से इनपुट भी लेता है, ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर यूजेस मॉडल डेटा टू क्रिएट दिस यूआई। मतलब के व्यू मॉडल का डेटा लेता है। मैंने क्या बताया था, मॉडल के अंदर क्या होता है, डेटाबेस की क्यूरीज जो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं वो सारी मॉडल की क्लासेस में होती है, ठीक है। तो व्यू मॉडल से डेटा लेता है और यूआई मतलब अपने व्यू के यूआई में, यूजर इंटरफेस में डेटा डिस्प्ले करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास स्टूडेंट का एक डेटाबेस है मॉडल के अंदर, ठीक है। अब मॉडल से वो जितना भी स्टूडेंट का डेटा है वो मैं फॉर एग्जाम्पल टेबल की फॉर्म में HTML पेज पे व्यू पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। मतलब व्यू के अंदर टेबल का टैग हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके थ्रू हम मॉडल का डेटा मतलब डेटाबेस का डेटा अपने व्यू में डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर यहां पे देखो, कंटेन्स बोथ HTML मार्कअप एंड C# कोड दैट रन्स ऑन द वेब सर्वर। मतलब व्यू के अंदर हम HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ C# की कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये है इसका, व्यू का। फिर यहां पे देखो, व्यू की एक्सटेंशन क्या होती है, व्यू की एक्सटेंशन क्या होती है, CSHTML। CSHTML का मतलब CS स्टैंड फॉर C#, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब व्यू की एक्सटेंशन होती है .CSHTML, और इसी से जाहिर होता है कि व्यू के अंदर हम C# का कोड भी लिख सकते हैं और HTML का कोड भी लिख सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैराग्राफ में एक लूप चलाना है, सही है। मतलब मैं चाह रहा हूं हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है, उसके अंदर मैं C# का लूप चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं काम किस में कर रहा हूं, व्यू में मैं काम कर रहा हूं, लेकिन C# को यूज करते हुए उसका रिजल्ट मैं पैराग्राफ के टैग में डिस्प्ले करवा रहा हूं या हेडिंग्स में डिस्प्ले करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस मैं अपने व्यू के अंदर यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब आ जाओ रेजर साइंटेक्स, ठीक है। मतलब रेजर का जो ये साइंटेक्स है, देखो क्या कह रहा है, रेजर क्या है, इज अ साइंटेक्स। रेजर एक साइंटेक्स है बेस्ड ऑन द ASP.NET फ्रेमवर्क दैट अलाउस क्रिएटिंग व्यूज। मतलब रेजर साइंटेक्स को यूज करते हुए भी हम क्या बना सकते हैं, व्यू मतलब हमारे पास HTML का पेज बना सकते हैं, लेकिन रेजर साइंटेक्स किस लिए यूज होता है, C# के कोड को अपने व्यू के अंदर, अपने HTML के अंदर एम्बेड करने के लिए हम रेजर साइंटेक्स को यूज करते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है। फिर देखो, रेजर इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर्स, ठीक है। मतलब ये जो साइंटेक्स है ये बहुत इजी होता है, यूजर्स को समझ में आता है, हु आर फेमिलियर विद द C#.NET और VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब ये जो रेजर साइंटेक्स है ना, इसके अंदर हम किस किस का कोड लिख सकते हैं, C# का और VB.NET, मतलब जो विजुअल बेसिक, क्योंकि ये भी दोनों C# हो गई या विजुअल बेसिक हो गई, ये किसकी लैंग्वेजेस है, .NET फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रेजर साइंटेक्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे, C# को यूज करेंगे, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा आप देखो कोड, मतलब C# का कोड मैं अपने व्यू के अंदर, अपने HTML पेज के अंदर अटैच किस तरह से करता हूं, देखो यहां पे मैंने एक फिगर से समझाया हुआ है। देखो यहां पे हमारे पास, अगर आप एक चीज नोट करो, बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर एक UL का टैग है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर देखो एट द रेट का सिंबल है। मतलब रेजर साइंटेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एट द रेट के सिंबल से, और उसके अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूं, फॉर ईच।
फॉर ईच किसके अंदर हम यूज करते हैं, सी शार्प के अंदर यूज करते हैं। मतलब सी शार्प को यूज करते हुए मैं अपने एचटीएमएल के पेज के अंदर क्या करवा रहा हूं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, देखो ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर की हुई है, ये सारा काम सी शार्प का मैं कहां पे कर रहा हूं, अपने व्यू के अंदर कर रहा हूं, एचटीएमएल के साथ अटैच करके कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको अभी प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आता हूं मैं नीचे। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रेजर इंजन। एक तो बात मैंने अभी बताई रेजर साइंटेक्स होता है, अब है रेजर इंजन। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, द एमवीसी फ्रेमवर्क यूजेस अ व्यू इंजन टू कन्वर्ट द कोड ऑफ अ व्यू इनटू एचटीएमएल मार्कअप दैट अ ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। मतलब व्यू के अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वो किसमें कन्वर्ट होता है, एचटीएमएल कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका एक व्यू इंजन होता है, ठीक है, डिफॉल्ट व्यू इंजन जो कि एमवीसी के फ्रेमवर्क में होता है। अब देखो रेजर इंजन, मतलब रेजर व्यू इंजन क्या होता है, इसको जरा गौर से समझना। रेजर इंजन इज यूज्ड एज द डिफॉल्ट व्यू इंजन बाय द एमबीसी फ्रेमवर्क। मतलब रेजर इंजन एमबीसी फ्रेमवर्क के अंदर मिलता है हमें, ठीक है, और ये डिफॉल्ट व्यू इंजन होता है। और इसका काम क्या है, इसको जरा गौर से सुनना। देखो, कंपाइल्स अ व्यू ऑफ योर एप्लीकेशन व्हेन द व्यू इज रिक्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब आपके व्यू के अंदर जो भी सी शार्प की कोडिंग है उसको कन्वर्ट किसमें करता है, एचटीएमएल की कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करके यूजर को डिस्प्ले करवाता है। क्योंकि एक बात मुझे बताओ, जब हम ब्राउजर देखते हैं और ब्राउजर के ऊपर जब हम राइट क्लिक करके पेज सोर्स में जाते हैं, मतलब जब उसका कोड देखते हैं, तब हमें सी शार्प का कोड नजर आता है नहीं, हमें सिर्फ एचटीएमएल का कोड नजर आता है। मतलब ब्राउजर पे सिर्फ एचटीएमएल का कोड रन होता है, सी शार्प का कोड हाइड होता है, क्योंकि सी शार्प का कोड कन्वर्ट किस में होता है, एचटीएमएल में कन्वर्ट होता है। और ये सारा काम कौन करता है, रेजर व्यू इंजन करता है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट व्यू इंजन है जो कि एमबीसी फ्रेमवर्क के साथ हमें मिलता है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, डिलीवर्स द कंपाइल्ड व्यू फॉर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट अंटिल यू मेक चेंजेस टू द व्यू। मतलब ये आपको वो व्यू रिटर्न करता है जो आपने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, जो व्यू आपने रिक्वेस्ट किया है ना, जो मांगा है आपने एप्लीकेशन से, उसी को ये कंपाइल करेगा, मतलब उसी के कोड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। फिर यहां पे देखो, डज नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट प्रोवाइड्स टेम्पलेट मार्कअप सिंटैक्स टू सेग्रीगेट एचटीएमएल मार्कअप एंड प्रोग्रामिंग कोड इन अ व्यू। मतलब मैंने क्या बताया, व्यू के अंदर दो लैंग्वेजेस होती है, एचटीएमएल और सी शार्प। जाहिर बात है, अब सी शार्प को ब्राउजर रीड कैसे करेगा, उसे हमें एचटीएमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा काम कौन करता है हमारे लिए, रेजर इंजन करता है। ठीक है, मतलब सी शार्प के कोड को मैं अपने एचटीएमएल के अंदर अटैच करके यूजर को दिखा सकता हूं। ठीक है, और ये सारी कन्वर्जन कौन करता है हमारे पास, रेजर व्यू इंजन। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं इस थ्योरी को समझाने से पहले हम काम क्या क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो बताता हूं। ठीक है, देखो इस लेक्चर के अंदर हम इनलाइन एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, जो सी शार्प की स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट किस तरह से हम यूज करते हैं अपने वेब पेज में। देखो ये जो सारी चीजें हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, ये सारी किसकी है, सी शार्प की है, ठीक है ना। इसको हम एचटीएमएल के पेज के साथ, व्यू के पेज के साथ अटैच कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, एम्प्टी नहीं है, वेब एप्लीकेशन है। यहां पे आके मैं इसका नाम कहता हूं रेजर साइंटेक्स डेमो। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं और वेब एमबीसी के ऊपर हम चेक लगाते हैं और यहां पे आके मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब कंट्रोलर नहीं है तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूं। ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे एमबीसी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर ऐड करते हैं, ऐड में जाते हैं, एड कंट्रोलर। ठीक है,
और हमें एमबीसी 5 कंट्रोलर चाहिए एमटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम वही रख देता हूँ, होम कंट्रोलर, जो रूट कॉन्फ़िग फाइल में जिसका रूट है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। आप देखो ये हमारे पास कंट्रोलर आ गया और उसका एक डिफॉल्ट इंडेक्स एक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक व्यू क्रिएट कर लेता हूं मैं, ऐड व्यू, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका नाम यही रहने देते हैं इंडेक्स, इसको ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। और अब इसको एक दफा यहीं से रन करके देखते हैं, रिजल्ट सही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देखो सही तरह व्यू हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो व्यू है, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, CSHTML, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर C# और HTML दोनों का हम कोड कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो आपको अभी पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, पहला क्या है, इनलाइन एक्सप्रेशन, मतलब अगर मुझे C# का एक लाइन का कोड अपने व्यू के अंदर अटैच करवाना है तो मैं वो किस तरह से करूंगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ देता हूं और मैं यहां पे कहता हूं इसे टुडे डेट एंड टाइम इज, ठीक है। और अब यहां पे आता हूं, आपको याद होगा हमने एक क्लास पढ़ी थी डेट टाइम, C# की क्लास होती है और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट नाउ, जो कि हमारे सिस्टम में जो लेटेस्ट टाइम हो रहा है वो गेट करके हमें प्रिंट करवाती है। मतलब देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना डेट टाइम डॉट नाउ, ये C# की क्लास है डेट टाइम और इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है नाउ, ये C# का है। लेकिन अभी देखो ये इसको क्या समझ रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट समझ रहा है। लेकिन मैं यहां पे अब एक सिंबल लगाता हूं जिसको कहते हैं एट द रेट, तो देखो अब उसका कलर चेंज हो गया। मतलब अब एट द रेट लगाने से क्या हुआ कि ये जो लाइन है इसके आगे ये C# का कोड है, ठीक है। और मैं इसको एम्बेड कहां पे कर रहा हूं, अटैच कहां पे कर रहा हूं, अपने HTML के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, देखो क्या आ रहा है, टुडे डेट एंड टाइम इज, सबसे पहले क्या आ रही है डेट और उसके बाद इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहां पे तो मैंने C# का कोड दिया था ना इस जगह पे, अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं और व्यू पेज सोर्स पे जाता हूं, ठीक है, अब ये देखो यहां से लेके यहां तक तो ये सारा नैव बार का कोड है, ठीक है। फिर इसके नीचे आओ, अब यहां पे देखो टुडे ये वाली लाइन देखो, टुडे डेट एंड टाइम इज, अब देखो इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा था डेट टाइम डॉट नाउ, अब इसको HTML के अंदर HTML टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कौन कर रहा है, रेजर व्यू इंजन, सही है, ये इसका पर्पज है रेजर व्यू इंजन का, और रेजर सिंटैक्स मैंने इसी के साथ अटैच किया था, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैं एक और यहां पे पैराग्राफ लेता हूं। अच्छा मैंने क्या बताया अभी आपको यहां पे, इनलाइन एक्सप्रेशन, मतलब देखो ये एक लाइन है ना, मतलब ये एक लाइन का कोड है, ठीक है। तो उसको मैंने किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है, एट द रेट सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कमेंट्स में लिख दूं, ठीक है, कि ये है हमारे पास इनलाइन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर यहां पे आता हूं, एक और पैराग्राफ का टैग यहां पे बनाता हूं और यहां पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल टुडे ईयर इज, ठीक है, मतलब आज इस वक्त, बल्कि टुडे हटा देते हैं हम, ठीक है, यहां पे इसको कह देते हैं दिस ईयर इज, और अब एट द रेट क्योंकि एक लाइन मुझे देनी है तो उसी तरह मैं यहां पे आता हूं डेट टाइम और इसकी वही प्रॉपर्टी नाउ और फिर इसके बाद इसका एक होता है ईयर, ठीक है। तो यहां पे आके अगर मैं इस केस में रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो, देखो आ रहा है दिस ईयर इज, मतलब जो इस वक्त हमारे पास ईयर हो रहा है लेटेस्ट क्योंकि सिस्टम से ले रहा है, ठीक है, ठीक है। यहां पे आके स्टॉप करता हूं मैं इसे। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जब हम C# में कोड करते हैं तो हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमी कोलन लगाते हैं टर्मिनेट करने के, लेकिन यहां पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब एट द रेट लगाया उसके बाद मैंने एंड करने के लिए उसको वो नहीं लगाया,
ठीक है, मतलब सेपरेटर नहीं लगाया तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इनलाइन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक लाइन को अगर करना हो। अच्छा, फिर चलते हैं दूसरा पॉइंट था यहाँ पे, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हम एक कीवर्ड हमने पढ़ा था वॉर। ठीक है, वॉर के कीवर्ड से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैं यहां पे आता हूं। अच्छा, मैं इस पोर्शन को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा देखो, HTML में जब हम कमेंट करते हैं किस तरह से करते हैं, पहले ये मतलब लेस देन का साइन, फिर इस तरह से दो डैश और बीच में यहां पे कमेंटेड कोड लिखते हैं। ठीक है, मैं यहां से उठाता हूं इसको और इधर लेके जाता हूं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोट करो, मतलब ये जो कमेंट करने का तरीका है, ये सिर्फ किसको कमेंट कर रहा है, HTML को कमेंट कर रहा है, सी शार्प को कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले कमेंट यूज नहीं करते। आप क्या करो, उस कोड को जिसमें HTML और सी शार्प दोनों है, आप उन लाइंस को सेलेक्ट करो, और शॉर्टकट हमने पढ़ा था Ctrl+K Ctrl+C। अब देखो कमेंट आ रहा है, पहले एट द रेट है, फिर स्टार है, और फिर एंड में पहले स्टार है फिर एट द रेट है। इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं अगर हमें HTML और सी शार्प के कोड को एक साथ कमेंट करना हो। ठीक है, और अनकमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, उसी तरह Ctrl+K Ctrl+U। ठीक है, तो इससे अनकमेंट हो जाएंगे, तो मैं इसको दोबारा कमेंट कर देता हूं Ctrl+K Ctrl+C। और अब मैं यहां पे आता हूं, कमेंट में दोबारा देता हूं, और यहां पे मैं कहता हूं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, सही है, और यहां पे आता हूं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, इसका मतलब मल्टीपल लाइंस होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल लाइंस के लिए मैं क्या करता हूं, एट द रेट और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूं और ऑफ करता हूं, मतलब जहां पे ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, इसके दरमियान में मैं सी शार्प का कोड लिख सकता हूं, मतलब मल्टीपल लाइंस लिख सकता हूं। और एक लाइन अगर लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, उससे पहले एट द रेट का सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद जो भी एक लाइन होगी सी शार्प की वो मैं लिख दूंगा। तो यहां पे आके अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल डेटा लिखता हूं लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, हमारे चैनल का नाम। फिर इसके बाद एक वॉर कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल बनाता हूं, क्योंकि अभी मैंने बताया था डेटा टाइप के थ्रू भी बना सकते हैं और वॉर के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, वॉर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम, वॉर कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसके अंदर हम हर डेटा टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये ए है, ठीक है, इसके अंदर मैं नंबर भी दे सकता हूं, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी दे सकता हूं, ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसी तरह सारी चीजें। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं टुडेज टाइम। ठीक है, और यहां पे आके इसके अंदर मैं, हमने जो अभी एक क्लास पढ़ी थी डेट टाइम की, डॉट इसकी प्रॉपर्टी नाउ, और नाउ में मैं यहां पे देता हूं, हमारे पास एक मेथड होता है टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, मतलब टाइम मुझे चाहिए लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में। आपको पता है ना, लॉन्ग फॉर्मेट होता है, शॉर्ट फॉर्मेट होता है, उसी तरह। ठीक है, अब ये मेथड है हमारे पास। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, जब मैं ये ब्लॉक यूज कर रहा हूं रेजर सिंटैक्स का, मतलब जब मैं कर्ली ब्रैकेट साथ यूज कर रहा हूं, तब मैं एंड में मुझे सेमीकॉलन लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, सिंगल लाइन में मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस हो तो इस तरह आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं, ये जो दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, इसका डेटा मैं फॉर एग्जांपल हेडिंग्स के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 है, ठीक है, H2 का टैग है। अब मैं चाह रहा हूं यहां पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूं, फॉर एग्जांपल चैनल नेम इज, और इसके अंदर मैं कौन सा वेरिएबल पास करूंगा जो मैंने अभी बनाया है, नेम का। लेकिन देखो अभी इसको ये सिर्फ टैग समझ रहा है, तो मैं यहां पे इससे पहले क्या लगा दूंगा, एट द रेट, मतलब अब ये वेरिएबल बन चुका है, मतलब जिस वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूं अपने H2 के अंदर। और फिर यहां पे दोबारा मैं H2 का करता हूं और यहां पे मैं कहता हूं टुडेज टाइम इज, ठीक है, और यहां पे अब कौन सा वेरिएबल कॉल करवाऊंगा, टुडेज टाइम वाला। ठीक है, एट द रेट लगाया और यहां पे देखो टुडेज टाइम, ठीक है, सही है। तो इस केस में अगर मैं यहां पे आके रन करूं, अब देखो आ रहा है,
भाई जो वेरिएबल मैंने बनाए थे उसी को मैं अब अपने एस टू के टैग के अंदर क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ और टाइम को भी गेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस तरह से आप व्यू के अंदर एच टी एम एल के साथ सी शार्प का कोड इम्बेड कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको ये व्यू पेज सोर्स दिखाऊं, ठीक है, तो इसका आप कोड देखना, ये देखो, मतलब सी शार्प के कोड को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, एच टी एम एल के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है, रेजर व्यू इंजन। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या थी, ये मैंने अभी बता दिया आपको, मल्टी स्टेटमेंट कोड ब्लॉक। मतलब अगर एक से ज्यादा लाइंस हो, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा अगर सी शार्प का कोड हो तो हम क्या यूज करते हैं, यहां पे ये एट द रेट और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑफ इसके दरमियान। ठीक है, फिर यहां पे देखो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर मुझे यूज करनी है, ठीक है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, तो इसको किस तरह से यूज करेंगे, देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं ये पोर्शन, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और यहां पे आके अब मैं कहता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और अब यहां पे आता हूं फॉर एग्जांपल उसी तरह एट द रेट, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑफ। ठीक है, देखो एट द रेट लगाओगे और उसके साथ ही कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, ठीक है, और फिर जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आप जहां भी क्लोज करो। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और इसको कहता हूं मार्क्स, मार्क्स में मैं देता हूं फॉर एग्जांपल 80, और अब इफ एल्स मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सेम उसी तरह है जिस तरह हम सिंपल सी शार्प की कोडिंग करते हैं, और यहां पे मैं कह रहा हूं अगर मार्क्स हमारे पास बड़े हैं या बराबर है 80 के, ठीक है, तो एच टू का टैग मैं ले लेता हूं और इसके अंदर मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल योर ग्रेड इज A1। ठीक है, else में वरना मैं इसको कह देता हूं, इसी को कॉपी करते हैं और else में मैं यहां पे कह देता हूं योर ग्रेड इज A। ठीक है, सही है, तो अब अगर इस पॉइंट पे मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, योर ग्रेड इज A1 या योर ग्रेड इज A, योर ग्रेड इज A1 क्योंकि मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल लगाया था, ग्रेटर देन का सिंबल काम नहीं कर रहा, इज इक्वल टू का सिंबल काम कर रहा है क्योंकि मार्क्स 80 से बड़े नहीं है लेकिन 80 के बराबर है, तो इफ का पार्ट चलेगा एल्स का पार्ट नहीं चलेगा, देख रहे हो योर ग्रेड इज A1। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे आऊं और इसको अब मैं 70 कर दूं या हम 75 कर दें, तो अब देखो मार्क्स 80 के ना बराबर है ना बड़े हैं, तो इस केस में एल्स का पार्ट चलेगा, तो यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं, देख रहे हो योर ग्रेड इज A, मतलब बिल्कुल सही तरह हमारे पास ये रेजर साइंटेक्स के थ्रू सी शार्प का कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो इसी तरह मैं सिर्फ इफ एल्स करके मैंने आपको दिखाया है, इसी तरह आप नेस्टेड इफ कर सकते हो, इफ एल्स इफ कर सकते हो और जितने भी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी है। ठीक है, यहां पे आता हूं फॉर एग्जांपल इसको भी मैं कमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और अब यहां पे आके इसी तरह मैं स्विच स्टेटमेंट इसमें यूज करता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, स्ट्रिंग और इसको कहता हूं फ्रूट, ठीक है, और इसके अंदर मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल एप्पल। ठीक है, और अब ये जो इस फ्रूट का वेरिएबल है इसको मैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करता हूं। ठीक है, यहां पे आके मैं इसको कहता हूं फ्रूट को मुझे चेक करवाना है। ठीक है, अब केसेस बनाते हैं हम स्विच में। ठीक है, पहला केस मैं यहां पे देता हूं फॉर एग्जांपल बनाना। ठीक है, और फिर यहां पे कोलन का सिंबल आता है इसके साइंटेक्स में, और यहां पे अब मैं एच टू दे देता हूं। ठीक है, और एच टू के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे यू हैव सेलेक्टेड बनाना। ठीक है, और फिर इन द एंड यहां पे मैं दे देता हूं ब्रेक। ठीक है, सही है, और यहां पे आके अब मैं इसको कॉपी करता हूं और मल्टीपल केसेस बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे आता हूं दूसरे केस को मैं देता हूं यहां पे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं
ये कैपिटल में है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ यू हैव सिलेक्टेड एप्पल, ठीक है। और अब देखो जो लास्ट है इसको मैं बनाता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी केस नहीं चलेगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, डिफॉल्ट वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, इस तरह से। और जब डिफॉल्ट का पार्ट चलेगा तो मैं आप इसको कह देता हूं इनवैलिड फ्रूट, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, देखो अभी हमारे वेरिएबल में क्या है, एप्पल, तो कौन सा स्टेटमेंट चलना चाहिए, ये एप्पल वाला, यू हैव सिलेक्टेड एप्पल, ठीक है। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं, देखो सही आ रहा है, यू हैव सिलेक्टेड एप्पल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहां पे इसके अंदर कुछ चेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल अभी फ्रूट के अंदर एप्पल है ना, अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल बनाना दूं, ठीक है, तो अब रन करूं तो कौन सा पार्ट चलना चाहिए, पहला केस चलना चाहिए, ठीक है, और उसमें मैसेज शो होना चाहिए हमें यू हैव सिलेक्टेड बनाना, ठीक है, सही आ रहा है। लेकिन अब अगर मुझे डिफॉल्ट का पार्ट चलाना है, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल कोई और देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। अब देखो ऑरेंज के लिए कोई केस नहीं बनाया हमने, तो कौन सा पार्ट चलना चाहिए, डिफॉल्ट का पार्ट चलना चाहिए, ठीक है। देखो इनवैलिड फ्रूट आ रहा है, मतलब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही तरह इसमें वर्क कर रही है रेजर सिंटैक्स के अंदर, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैं कमेंट करता हूं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। और अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखो लूप्स, ठीक है, लास्ट पॉइंट है लूप्स, किस तरह से हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पे आते हैं, ठीक है। और अब यहां पे आता हूं फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप, ठीक है, फॉर लिखो दो दफा टैप प्रेस करो, आपके पास ये इसका पूरा कोड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे कहता हूं कि लूप जो स्टार्ट होगा वो वन से स्टार्ट होगा और जब तक आए लेस देन है 10 से तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आके अब मुझे आए को प्रिंट करवाना है ताकि मुझे 1 to 9 तक काउंटिंग शो हो, ठीक है। तो यहां पे आके मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं H2 का टैग देता हूं और इसमें आई दे देता हूं। लेकिन अभी देखो ये आई हमारे पास ये वेरिएबल नहीं है, इससे पहले मुझे क्या लगाना है, एट द रेट का सिंबल, ताकि ये वेरिएबल बन जाए, ठीक है। अब ये वेरिएबल बन चुका है, तो अब मैं यहां पे आके अगर इसको रन करूं तो हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, 1 से लेके 9 तक चलेगा, क्योंकि 10 से लेस देन करवाया, उसके इक्वल नहीं करवाया, देख रहे हो, 1 से लेके कहां तक काउंटिंग चल रही है, 9 तक चल रही है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी आप लूप को यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये तो फॉर लूप था, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है फॉर ईच लूप, ठीक है, याद है मैंने फॉर ईच लूप का बताया था कि वो हम किस लिए यूज करते हैं, लिस्ट के साथ, एरे के साथ या कलेक्शंस के साथ, ठीक है। तो इसको, इस पोर्शन को मैं कमेंट करता हूं कंट्रोल के कंट्रोल सी और यहां पे आके एट द रेट, ठीक है। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे बना लेता हूं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप पे एक एरे बना लेता हूं और इसका नाम रखता हूं मैं स्पोर्ट्स, और इसके अंदर इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्पोर्ट्स दे देता हूं, फुटबॉल, ठीक है, दूसरा आइटम दे देता हूं इसमें क्रिकेट, तीसरा दे देता हूं हॉकी और चौथा दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक एरे बना लिया, सही है। अब इस एरे को मैं फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करवाना चाहता हूं, ठीक है, अपने H2 के टैग के अंदर। तो देखो फॉर ईच, यहां पे दो दफा टैप टैप प्रेस करो। अब देखो हमारा एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं, इसका नाम रख लेता हूं आई, ठीक है। और आई के अंदर डेटा कहां से आएगा, कौन से एरे में से, स्पोर्ट्स के एरे में से, मतलब जब फर्स्ट टाइम ये फॉर ईच का लूप चलेगा तो स्पोर्ट्स में से आई के अंदर क्या आ जाएगा, फुटबॉल, फिर दोबारा लूप चलेगा आई के अंदर क्या आ जाएगा, क्रिकेट। इसी तरह जब तक हमारे जितने भी आइटम्स एरे के अंदर हैं वो सारे फॉर ईच लूप क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। तो मैं कहता हूं H2 के टैग के अंदर मुझे प्रिंट करवाओ कौन सा वेरिएबल, आए, लेकिन अभी इस आए को काउंटर वेरिएबल, मतलब इसको हम काउंटर वेरिएबल कह रहे हैं ना, ठीक है, तो यहां पे आके एट द रेट का सिंबल लगाना है। अब ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, देखो सारे प्रिंट हो रहे हैं,
सही है, मतलब फॉर इच लूप भी हम इस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सी शार्प का जो कोड है आप इस तरह से अपने व्यू के अंदर एचटीएमएल पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हो। अच्छा देखो, जो रेजर सिंटैक्स है ना, इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, वो रूल्स मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक है, यहां तक हमने रीड कर लिया था। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, अ रेजर फर्स्ट रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग द सर्वर साइड कोड फ्रॉम द मार्कअप कोड। मतलब ये जो रेजर है, ठीक है, रेजर सिंटैक्स है, रेजर इंजन है, ये क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि एचटीएमएल के मार्कअप के अंदर सर्वर साइड कोड कौन सा है। सर्वर साइड कोड से मुराद ये जो हमारा सी शार्प का कोड है उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर इंटरप्रेट करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। ठीक है, कहां पे, हमारी व्यू फाइल के अंदर। ठीक है, कहां पे एम्बेड करता है ये इसको, व्यू फाइल के अंदर, मतलब एचटीएमएल के साथ ये एम्बेड करता है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यूजेस द एट द रेट सिंबल। ठीक है, मतलब अगर आपको सी शार्प का कोड ऐड करना है तो लाजमी एट द रेट का सिंबल लगाना है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये एट द रेट का सिंबल ही है टू सेपरेट द सर्वर साइड कोड फ्रॉम द मार्कअप कोड। मतलब अगर आप एट द रेट का सिंबल नहीं लगाओगे ना तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा सी शार्प का कोड है, मतलब सर्वर साइड कोड है, और कौन सा एचटीएमएल का मार्कअप कोड है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब रेजर सिंटैक्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल आप देखो, एनक्लोज कोड ब्लॉक्स बिटवीन एट द रेट कर्ली ब्रैकेट और उसका कर्ली ब्रैकेट ऑफ। मतलब अगर मल्टीपल लाइंस हैं सी शार्प के कोड की तो आपने एट द रेट फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑफ करना है। फिर है स्टार्ट इन लाइन एक्सप्रेशन, मतलब अगर एक लाइन के अंदर, मतलब एक एचटीएमएल की लाइन है उसी के अंदर अगर आपने एक लाइन में सी शार्प का कोड एम्बेड करना है तो आप सिर्फ क्या लगाओगे, एट द रेट का सिंबल लगाओगे। फिर वेरिएबल्स आप वॉर के कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग, इंटीजर, जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एनक्लोज स्ट्रिंग्स इन कोटेशन मार्क्स, मतलब अगर आप स्ट्रिंग उसमें दे रहे हो तो लाजमी वो किस में बंद होनी चाहिए, डबल कोट जिन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो, एंड अ रेजर कोड स्टेटमेंट विथ सेमी कोलन। मतलब यहां पे जब हम मल्टीपल यूज कर रहे थे, मतलब देखो जब हम यहां पे, अगर मैं आपको ये ऊपर जाके दिखाऊं, ये जो हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, ठीक है, ये वाला कोड देखो। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे थे, मतलब हमारे पास एक ही फॉर एग्जांपल कोड ब्लॉक है, इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस लिख रहे हैं, तो जब हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं ना तब उस कोड ब्लॉक के अंदर एंड में सेमीकोलन लगाना लाजमी है। सिंगल लाइन में लगाने की बेशक जरूरत नहीं है, मतलब इन लाइन एक्सप्रेशन में जरूरत नहीं है। फिर यहां पे देखो, uses the CSHTML extension to store a Razor View file that uses C sharp as the programming language. मतलब ये जो हमारे पास, अगर आप CSHTML use कर रहे हो तो इसका मतलब इसके अंदर जो आप कोड लिखोगे Razor Syntax में वो किसका होना चाहिए, C sharp का होना चाहिए।